सिमी के 8 आतंकियों के जेल से फरार होने के 9 घंटे के अंदर भोपाल पुलिस ने एनकाउंटर कर मौत की नींद सुला दी। भोपाल की सेंट्रल जेल से फरार सिमी के 8 आतंकियों को जेल से करीब 10 किलोमीटर दूर भोपाल के बाहरी इलाके इंतीखेड़ी गांव में पुलिस ने मार गिराया है। जेल से फरार होने से पहले आतंकियों ने जेल गार्ड रमाशंकर की हत्या कर दी। सिमी के आतंकी 2013 में खंडवा जेल से भी फरार हुए थे, लेकिन कुछ महीनों के बाद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया था। भोपाल के आईजी योगेश चौधरी ने बताया कि सुरक्षा बलों द्वारा घेरे जाने के बाद सभी आतंकी मार गिराए गए। जब गए, चूंकि वो बहुत ही अनड्यूलेटिंग टेरेन वाला एरिया है, बहुत ऊंचा नीचा एरिया है, वहाँ पर एक जो पार्टी थी उस पार्टी पर जब पार्टी का इन लोगों का सामना हुआ तो इन लोगों ने उस पार्टी पर अटैक किया। उसमें हमारे कुछ कर्मचारियों को चोट आई, उन लोगों ने चिल्लाया, जो दूसरी पार्टी थी उन्होंने उनको चैलेंज किया। इसमें बदमाशों की तरफ से फायर किया गया, जवाबी फायर में पुलिस पार्टी ने भी फायर किया, जिसमें जिला पुलिस, एसटीएफ, सीटीजी की टीम्स थी, इन लोगों ने फायर किया। और जब ये फायरिंग 10:30 से 11:30 के बीच में करीब हुई और जब खत्म हुई, तब ये पाया गया कि वहाँ 8 व्यक्ति मृत थे। इस संबंध में भी हम लोग धारा 307, 353, 332, 2527 आर्म्स एक्ट का मुकदमा जो है वो कायम किया जाकर, पूर्व में 2013 में भी इनमें से 3 लोग जेल से फरार हुए थे और ये 8 लोग इस तरह से जेल से फरार हुए थे, बहुत ही गंभीर प्रकरणों में वांछित थे। 2 के पजेशन से 2 315 बोर के कट्टे, जिसमें 2 राउंड चले हुए और 2 लाइव राउंड ईच प्राप्त हुए हैं। 2 वेपन और जो है वही विसिनिटी में प्राप्त हुए हैं, जो 12 बोर के कट्टे हैं जिनमें एक एक राउंड चला है। 3 शार्प वेपन नाइफ्स जो है जाकिर, महबूब और अमजद के पास से प्राप्त हुए हैं। इस तरह से 7 वेपन जो है वहां से जब्त किए गए हैं घटनास्थल से। हमारी टीम्स इन्वेस्टिगेट कर रही हैं और जैसे इन्वेस्टिगेशन के तथ्य आप लोगों को बताने के लिए होंगे, वो आप लोगों सभी को नियमित अवगत वी वुड हैव टू लुक एट द वीडियो The veracity of the videos and all other investigation, because this is a case of in an open environment, there are public people there, so we would take all the factors into consideration as the investigation progresses. A criminal case has been registered under section 307, 353, 2527 Arms Act, and all the factors which will encompass the investigation of this case would be taken into account. We are going to take everything into account, how they come into the possession of the weapons, what were they wearing, how were they, have they received some external help and all. Hamare paas jitna available resources hai, hum logon ne sara use kiya tha. CM Shivraj ne पुलिस को एनकाउंटर के लिए बधाई दी और स्थानीय लोगों को भी पुलिस के मदद के लिए बधाई दी। मध्य प्रदेश पुलिस को हम बधाई देते हैं, जब तत्परतापूर्वक उन्होंने कार्रवाई की, लेकिन उसके साथ ही उस घटना को मैंने बहुत गंभीरता से लिया है। जेल से आतंकवादियों का फरार होना अपने आप में बहुत गंभीर घटना है, और इसलिए हमने फैसला किया कि DIG जेल, क्योंकि IG पदस्थ नहीं है, जेल अधीक्षक, उप जेल अधीक्षक, सहायक अधीक्षक, इन सबको सस्पेंड कर दिया है। ADG जेल को PSU में अटैच कर दिया है, उनके खिलाफ भी जांच की जाएगी। इस पूरी घटना को गंभीरता से लेते हुए हमने इसका जांच कराने का फैसला किया है। पूर्व DGP नंदन दुबे जांच करेंगे इस घटना की, और इसमें जो भी तथ्य आएंगे उन तथ्यों के आधार पर और भी कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। इस आपराधिक लापरवाही के लिए किसी को नौकरी से बर्खास्त करने की स्थिति हो तो वो भी हम करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ मेरी केंद्रीय गृह मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी से भी चर्चा हुई, क्योंकि आतंकवादियों के तार
केवल प्रदेश में नहीं है, प्रदेश के बाहर भी, और केवल देश में नहीं दुनिया में भी। और इसलिए केवल ये मध्य प्रदेश का मामला नहीं है, इसलिए इस घटना की जांच NIA करे, ये मेरी गृह मंत्री जी से बात हुई भारत सरकार से, और उन्होंने भी ये फैसला किया है कि इस घटना की जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी करेगी। पुलिस के इस एनकाउंटर को लेकर कई सवाल उठने लगे हैं, कई वीडियो भी सामने आए हैं जिसमें पुलिस के मंशा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। विपक्ष भी एनकाउंटर को फेक बता रहा है। केजरीवाल ने ट्वीट कर इस मामले में सियासत की और इस एनकाउंटर को फेक बताया। मुठभेड़ पर उठाए जा रहे सभी सवाल जांच के मामले हैं, क्योंकि सिमी कार्यकर्ताओं की जेल से फरारी और उनके मारे जाने के बीच के 7 घंटे से ज्यादा समय की घटनाओं की श्रृंखला की अभी जांच होना बाकी है। आतंकियों के पास से 2 315 बोर के कट्टे, 2 जिंदा कारतूस और 1 बोर का कट्टा और 3 धारदार हथियार मिले हैं। वीडियो की पुष्टि NMF न्यूज नहीं करती है, लेकिन जो भी लोग सवाल उठा रहे हैं उन्हें ये समझना चाहिए जिसकी तरफदारी वो कर रहे हैं वो सब आतंकी थे जिन्होंने कितने सारे मासूमों की जान ली थी। NMF न्यूज की रिपोर्ट।